तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड डाउ थेरी एंड गुड स्टॉक एंड बैड स्टॉक। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम डाउ थेरी सीखेंगे। तो डाउ थेरी होती क्या है, सबसे पहले वो हम देख लेते। ठीक है, अब डाउ थेरी एक प्राइस एक्शन को रीड करने का एक तरीका है, एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में जो रहता है वो रहता है हमारा हायर हाई हायर लो। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट एक ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में होता है, तो हम उसके डाउ थेरी के हिसाब से हम उसको देखते हैं कि हायर हाई हायर लो बना रहा है या फिर नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर एक थोड़ा सा नीचे आया, करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा करेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड फिर उसके बाद फिर मार्केट एक बार ऊपर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड शुरू किया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद एक मार्केट ने लो लगाया एंड फिर एक बार हाई लगाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने बनाया एक हाई हायर हाई एंड एक हायर लो, फिर भी एक हायर हाई, यानी ये जो हाई बनाया मार्केट ने वो ये जो हाई है वो प्रीवियस हाई के मुकाबले हायर लेवल पे लगाया। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर ये लो क्या हो गया, हायर लो, यानी ये जो लो लगाए वो इस लो के कंपेरिजन में एक हायर लो है। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया जो कि इस ये जो हाई था उस हाई के मुकाबले ये एक हायर हाई था। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, जो ये यहाँ पे लो लगाया मार्केट ने एक उसका जो प्रीवियस लो था उसके कंपेरिजन में एक लोअर हायर लो था। तो यानी मार्केट एक अच्छी तरीके से अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ठीक है, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, यानी हायर हाई हायर लो, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, इस तरीके से मार्केट एक अप ट्रेंड में डाउ थ्योरी को फॉलो करता है। सिमिलरली अगर ये डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर वो किस तरीके से रहेगा, अप ट्रेंड में मार्केट बनाता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में मार्केट बनाता है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, मैं अभी वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट ऐसे गिरना शुरू हुआ, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर आया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, मार्केट ने एक लो लगाया एंड जो प्रीवियस जो हाई था उसका उसके कंपेरिजन में एक लोअर हाई लगाया, यानी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ये जो हाई लगाए वो प्रीवियस हाई के मुकाबले थोड़ा सा लो है, यानी जो लो लगाए वो भी लो है, यानी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर एक लो लगाया, यानी फिर क्या होगा, लोअर लो एंड लोअर हाई। तो इस तरीके से मार्केट होता है। तो मैं अभी सारी चीज़ आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक रिलायंस का चार्ट लिया है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, सॉरी एक हाई लगाया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर हाई लगाया, यानी मार्केट एक बहुत अच्छी तरीके से डाउ थ्योरी को फॉलो कर रहा है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, इस तरीके से मार्केट देखिए, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर थोड़ा सा एक हायर लो लगाया, फिर उसके बाद एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, ऐसी बारीक सी चीज़ें होती है जो आपको मार्केट में रीड करनी होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए अभी आपको अगर आप इस ट्रेंड को इस थेरी को समझते हो तो फिर आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। आपके अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको आप इमिडिएटली टॉप के आसपास बुक कर सकते हो, या फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हो एंड टाइम पे अपना जो प्रॉफिट वो बुक कर सकते हो। देखिए मार्केट ने यहाँ पे यहाँ तक क्या किया, हायर हाई हायर लो बनाया, जैसे मार्केट ने अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, यानी इसके आसपास मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड जो प्रीवियस जो हाई था उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे जो लो था उसको मार्केट ने जरूर ब्रेक किया, यानी जो हमारे डाउट थे ना, जो अप ट्रेंड चल रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब वो ब्रेक हो गया, यानी यहाँ पे अब इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए अभी यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा अप ट्रेंड उसको हॉल्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो हाई था वो भी ब्रेक नहीं हो रहा था लेकिन जो हमारा लो था वो ब्रेक हो गया। हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब देखिए हम आगे क्या हुआ, यहाँ से फिर मार्केट ने क्या किया, फिर अब मार्केट ने अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे अगर मार्केट फिर से एक बार फिर
फिर से अगर डाउ थ्री के हिसाब से अगर चलता है तो फिर हम फिर से अपनी बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते या फिर हम होल्ड भी कर सकते। तो अभी हम देखेंगे गुड स्टॉक एंड बैड स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी और स्टॉक को देखने के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है अभी जो अवेलेबल है 1 मंथ के लिए भी। कुछ जो ब्रोकर रहते हैं वो 12 मंथ का भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन 1 मंथ सबसे सफिशियंट है, ठीक है। अब देखिए अगर मंथली चार्ट भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी एक जो अच्छा स्टॉक है वो इसको डाउ थ्योरी फॉलो कर रहा है, यानी हायर हाई। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। यहाँ पे देखिए हाई तो इसके मुकाबले बड़ा नहीं लगा, लेकिन लो भी मार्केट ने नहीं लगाया, ठीक है। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक हाई बनाया, फिर लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। अब ये जो लो है वो कोविड कैंडल का है, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये देखिए एक घोड़ा स्टॉक है, आपको दिख रहा है मार्केट ने यहाँ से जाने के बाद सीधा ऊपर ही जा रही है, यानी ये घोड़ा स्टॉक है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि HDFC बैंक, देखिए ये भी एक घोड़ा स्टॉक है, ये सीधा ऊपर ही जा रहा है। अब गधा, ये होता है घोड़ा स्टॉक। अब गधा स्टॉक भी होता है, वो कैसे दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका सबसे फेवरेट स्टॉक रहेगा ये येस बैंक, देखिए किस तरीके से दिख रहा है आपको, ये घोड़ा दिख रहा है किसी एंगल से आपको, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जिस तरीके से ऊपर गया उतने ही फास्ट ही नीचे आया, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा फास्ट नीचे आया, ठीक है। यहाँ से उसने 2005 से ऊपर जाने के लिए शुरुआत की 2018 में, एंड यानी करीब करीब 13 साल इसने ऊपर जाने में लगाए, लेकिन सिर्फ 2 3 4 साल में उतना नीचे आ गया, ठीक है। 3 4 भी नहीं, सिर्फ 2 2 साल में ये उतना ज़्यादा नीचे आ गया, तो ठीक है ये एक गधा स्टॉक की निशानी है। मैं आपको एक और गधा दिखा देता हूँ, आप खुद ही पहचान लगे इसको, पहचान लेंगे आप इसको। देखिए अब आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, राइट। देखिए मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने, उससे भी बड़ी रेड कैंडल बने, फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया था 865 के आसपास हाई लगाया था, अभी आज के डेट में ये चल रहा है 5 रुपये, आज 850 रुपये से 5 रुपये स्टॉक चल रहा है, ठीक है। अब आप खुद ही आप देख सकते हो, किसी भी आपको स्टॉक को देखना है तो मंथली टाइम फ्रेम में जाइए, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये घोड़ा है फिर गधा है। अगर घोड़ा है तो फिर आप उसको होल्ड कर सकते हो या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर गधा है तो फिर आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको किसी को पूछने की जरूरत पड़ेगी कि मेरे पास XYZ कंपनी की स्टॉक है और मैं उसको होल्ड करूं या फिर बेच दूं, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, अब आप खुद ही बताइएगा ये किस तरीके का स्टॉक है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये गधा है या फिर घोड़ा है, ठीक है। ये जाहिर सी बात है गधा स्टॉक है। तो मैं आपको कुछ अच्छा स्टॉक भी दिखा देता हूँ, देखिए ये वे एक्सिस बैंक, ये गधा ये घोड़ा है आप खुद ही बता सकते हो। ये जो फॉल था ये कोरोना की वजह से फॉल आया था, अदरवाइज ये भी एक घोड़ा स्टॉक है, ठीक है। अब आप खुद बता दीजिएगा ये किस टाइप का स्टॉक है, ठीक है। दिख रहा है आपको ऐसे ऊपर गया, जितनी तेजी से ऊपर गया यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना एंड उतनी तेजी से नीचे आया, ठीक है। इस स्टॉक ने करीब करीब हाई लगाया था 515 का, अभी चल रहा है 50 रुपये, तो ये गधा स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट मत करना, ऐसे स्टॉक से बचिएगा। एंड उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पता चल गया होगा कि गुड स्टॉक बैड स्टॉक, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने, अगली वीडियो में हम कुछ और देखेंगे।